फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एक YouTube चैनल में जिसका नाम है CS गुरु चैनल्स। आप सभी चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के बीच में ये हमारा चैनल पहुंचे और हम आपकी इसी तरह से हेल्प करते रहे। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि कल के लेक्चर में हम लोगों ने सर्वप्रथम जो डिस्कशन किया था बेसिक कंसेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में हमने बताया था। तो कल के थोड़ा सा चैप्टर को रिव्यू करते हुए आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और आगे की जो हमारे कंसेप्ट हैं उनको सीखने का कोशिश करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। आपको कल मैंने बतलाया था कि बेसिकली कंप्यूटर अपने आप में एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और ये डिवाइस अपने आप में एक इंस्ट्रक्शंस के बेस पर काम करती है। यदि हमें कंप्यूटर से कोई भी कार्य कराना होता है तो उसको हमें एक इंस्ट्रक्शन देनी होती है एंड ऑन बिहाफ ऑफ दैट इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर विल परफॉर्म द टास्क। ओके, नाउ उसके बाद में हमने आपको बताया था कि कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए हमें एक प्रोग्राम की आवश्यकता पड़ती है और वो प्रोग्राम जो हमारा बनाया जाता है, कोड रिटन जो उस प्रोग्राम का होता है, वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंतर्गत होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जनरल वे में, कल मैंने आपको डिस्कस किया था, एक तरह की फॉर्मल लैंग्वेज ही होती है जिसकी सहायता से हम अपने डिफरेंट प्रोग्राम्स को राइट डाउन करते हैं और उस कंप्यूटर प्रोग्राम को इंस्ट्रक्शन देने के लिए उनका प्रयोग करते हैं। आइए, जो आज का टॉपिक है फ्रेंड्स, बड़ा अच्छा टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम है कि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। साधारणतः अगर देखा जाए तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जैसा कि कल मैंने डायग्रामेटिकली आपको बतलाया था। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की इन कैटेगरीज के अंतर्गत हमारी जो पहली कैटेगरी आती है वह हाई लेवल लैंग्वेज की आती है, दूसरी कैटेगरी हमारी मिडिल लेवल लैंग्वेज की आती है और तीसरी कैटेगरी हमारी लो लेवल लैंग्वेज की आती है। कहीं कहीं पर और किसी डायग्राम में या किसी बुक के अंदर आपको ये भी मिलेगा, हाई लेवल लैंग्वेज, मिडिल लेवल लैंग्वेज और मशीन लेवल लैंग्वेज। आइए, तीनों अपने आप में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं और तीनों की तीनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपने कंप्यूटर के प्रोग्राम को राइट डाउन करने में या कंप्यूटर के प्रोग्राम को लिखने में हमारी हेल्प करती हैं और हम उसका प्रयोग करते हैं एज पर नीड। सबसे पहले आज हम लोग जो जानने की कोशिश करेंगे वह लैंग्वेज हमारी है लो लेवल लैंग्वेज की तरफ मैं आपको ले जाना चाहता हूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि लो लेवल लैंग्वेज हमारी एक तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही होती है और इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज भी हम हमारे प्रोग्राम को लिखने के लिए या प्रोग्राम को के कोड को लिखने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। बस लो लेवल लैंग्वेज की जो सबसे टिपिकल बात यह होती है कि इस लैंग्वेज को जो ह्यूमन है, जो हम लोग हैं, आसानी से लर्न नहीं कर सकते, आसानी से समझ नहीं सकते। छोटे प्रोग्राम को हम बेहतर तरीके से इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंतर्गत बना सकते हैं, परंतु जब बड़े प्रोग्राम्स की बात आती है तो उसमें हमें डिफिकल्टीज होती है, क्योंकि 0 और 1 कोड में सारे प्रोग्राम्स बनते हैं और 0 और 1 कोड के लिए हम लोग अपने आप को कम्फर्ट फील नहीं कर पाते। तो जहां तक मैंने आपको बात बताई कि लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंतर्गत अपने आप में हम जितनी भी कोडिंग करते हैं, जितनी भी प्रोग्रामिंग करते हैं, वह प्रोग्रामिंग हमारी 0 और 1 पर होती है। इट मीन्स समझ जाना चाहिए कि यह प्रोग्रामिंग अपने आप में एक तरह से अगर देखा जाए तो मशीन डिपेंडेंट भी है। आगे चल करके जब मैं मशीन लैंग्वेज को डिस्कस करूंगा तो आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से वो डिपेंडेंट करती है और क्या डिपेंडेंसी का रोल प्ले होता है। तो यहां पर हमने जानने की कोशिश की, अगर मैं साधारणतः इस बात को बताना चाहूं तो ये एक तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कंटेन्स करती है बेसिक इंस्ट्रक्शंस को रिकॉग्नाइज बाय ए कंप्यूटर। तो दैट मींस मैं साधारण भाषा में इसको कह सकता हूं, इट इज अ टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंटेन्स बेसिक इंस्ट्रक्शंस रिकॉग्नाइज बाय अ कंप्यूटर। तो ये कंप्यूटर के द्वारा रिकॉग्नाइज होती है। दैट मीन्स आप समझ जाइए कि जो लो लेवल लैंग्वेज पर हम कोड बनाएंगे वो एक पर्टिकुलरली डिपेंडेंट मशीन के आधार पर हमारा कोड लिखा जाता है। तो जो कोड रिटन जो होता है लो लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत, मैंने आपको बताया, इसीलिए वो टिपिकल भी होता है। और एक प्रोग्राम को अगर आपने किसी मशीन पर बनाया तो उस प्रोग्राम को संभवतः आपको दूसरी मशीन पर भी बनाना पड़ सकता है और पड़ेगा। तो आइए जानते हैं कि लो लेवल लैंग्वेज को भी साधारणतः हमने 2 कैटेगरी में डिवाइडेड किया, जिसमें पहली कैटेगरी हमारी मशीन लेवल लैंग्वेज की आती है और दूसरी कैटेगरी हमारी बड़ी अच्छी लैंग्वेज है, असेंबली लैंग्वेज की आती है। सबसे पहले हम लोग कोशिश करते हैं आज जानने की मशीन लेवल लैंग्वेज को। जैसा कि आप लोग नाम से ही समझ पा रहे हैं कि मशीन लेवल लैंग्वेज का मतलब होता है जो मशीन पर डिपेंडेंट लैंग्वेज है। दैट मीन्स ये लैंग्वेज अपने आप में
बाइनरी कोड को फॉलो करती है, इट मीन्स जितने भी कोड रिटेन इसके अंतर्गत होता है वो जीरो और वन के अंतर्गत होता है, और इसीलिए इस लैंग्वेज को हम लोग लो लेवल लैंग्वेज की कैटेगरी के अंतर्गत भी रखते हैं। इट मीन्स जितना भी कोड रिटेन प्रोसेस होगा वो जीरो और वन की फॉर्म में होता है, क्योंकि बाइनरी कोड के अंतर्गत हम लोग जो कोडिंग करेंगे वो बाइनरी कोड को फॉलो करते हुए करेंगे, जीरो और वन को फॉलो करते हुए करेंगे। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से ये लैंग्वेज अपने आप में काम करती है। सपोज कीजिए कि हम लोगों को दो नंबर्स को ऐड करना होता है। सपोज करो वे नंबर्स हैं हमारे 5 प्लस 5, तो जो उसका आउटपुट आएगा 5 प्लस 5 का, आप समझ जाइए इसका आउटपुट हमारे पास में 10 आना चाहिए। बट मशीन लैंग्वेज के अंतर्गत अगर हमें इस प्रॉब्लम को सोल्व करना होता है तो हम 5 को सबसे पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, 101 101 101 101 को हम ऐड करेंगे, प्लस करेंगे, और उसके बाद में जो उसका फाइनल आउटपुट आएगा 1010 आएगा। डियर स्टूडेंट्स, बड़ा आसान लग रहा है, अगर हम एक सिंपल प्रोग्राम की बात करें, एडिशन की बात करें, बड़ा आसान होगा। डिवाइड की बात करें, हो सकता है वो भी आपको आसान लगे। सब्ट्रैक्शन की बात करें, वो और भी आसान, आपको डिवाइड प्लस जैसा ही, एडिशन जैसा ही होता है। बट अगर हम एक लार्ज प्रोग्राम की बात करें तो उस समय पर जो कोड रिटेन प्रोसेस होगा वो लार्ज होगा और हम उसको लर्न नहीं कर पाएंगे और उसको समझ भी नहीं पाएंगे। इसी वजह से इस लैंग्वेज को हम लोगों ने बोला कि ये लैंग्वेज आपका लर्नेबिलिटी के अकॉर्डिंग और समझने के अकॉर्डिंग आपका टिपिकल लैंग्वेज है। आगे चल करके इस पर डिस्कशन हुआ और फर्दर आगे चल के आगे की लैंग्वेज जिसको मैंने बताया था असेंबली लैंग्वेज आई। लेकिन उस असेंबली लैंग्वेज पर जाने से पहले हमें एक बात क्लियर करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि ये लैंग्वेज हमारे ही द्वारा डेवलप की गई लैंग्वेज है, इन लैंग्वेज का यूज भी आवश्यकता के अनुसार होता रहा है। तो इस लैंग्वेज का एक सबसे अच्छा फीचर एक है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर हम कोड रिटेन किसी भी प्रोग्राम का लो लेवल लैंग्वेज अर्थात मशीन लैंग्वेज में करते हैं तो उसका जो एग्जीक्यूशन प्रोसेस होता है वो बड़ा फास्ट एग्जीक्यूशन प्रोसेस होता है एज कंपेरिजन टू दूसरी डिफरेंट लैंग्वेजेस के। और इस लैंग्वेज की एक क्वालिटी होती है कि ये लैंग्वेज, या इसको एक ड्रॉबैक भी बोल सकते हैं, कि इस लैंग्वेज पर जो भी कोड रिटेन होता है वो मशीन डिपेंडेंट होता है। दैट मीन्स अगर आपने कोई एक प्रोग्राम किसी एक मशीन के लिए, किसी एक पर्टिकुलर मशीन के लिए बनाया तो वह उसी मशीन पर एग्जीक्यूट होगा, अन्यथा और किसी मशीन पर वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। उसका रीजन समझने की कोशिश करते हैं। डियर फ्रेंड्स, जरूरी नहीं है कि जिस मशीन को, जिस प्रोसेसर पर आपने काम किया है, उस प्रोसेसर पर काम करने के बाद वह प्रोग्राम उस पर तो चल जाएगा, लेकिन अगर हम उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को किसी दूसरे मशीन पर आपका चेंज करने की कोशिश, एग्जीक्यूट करने की कोशिश करें तो वो कैसे चलेगा? उसका एक कारण होता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर हार्डवेयर का कॉन्फ़िगरेशन सेम हो, तो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन हमारा हो सकता है, तो उस डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन की वजह से ये हमारी मशीन डिपेंडेंट बन जाती है और उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें दूसरी मशीन पर उस प्रोग्राम को दोबारा से लिखने की आवश्यकता होती है। तो ये सब ओवरऑल जो मैंने आपको नॉलेज दिया वो सारा का सारा मशीन लैंग्वेज का नॉलेज दिया। फ्रेंड्स, एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं कि जब हमने असेंबली लैंग्वेज की तरफ गए तो हमें मशीन लेवल लैंग्वेज का एक ही ड्रॉबैक नजर आया था, लर्नेबिलिटी और इसकी अंडरस्टैंडेबिलिटी। तो आइए असेंबली लैंग्वेज के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि असेंबली लैंग्वेज अपने आप में होती क्या है। फ्रेंड्स, असेंबली लैंग्वेज अपने आप में एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही है, जैसे मशीन लैंग्वेज है ऐसे असेंबली लैंग्वेज भी अपने आप में एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। बट दोनों में अगर डिफरेंट और दोनों में अगर हम सिमिलरिटी की बात करें, चाहिए सबसे पहले हम लोग इसके सिमिलरिटी के बारे में अगर हम आपको बताएं तो दोनों का प्रोग्राम का जो हम कोड लिखते हैं, दोनों के प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन प्रोसेस है वो बड़ा फास्ट है। दैट मीन्स एज कंपेरिजन टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हमारा फास्ट एग्जीक्यूशन प्रोग्राम का होता है। अब अगर हम इसकी एक सिमिलरिटी की एक और बात करें तो ये लैंग्वेज में जितने भी कोड रिटन होते हैं वो भी आपका एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एक स्पेसिफिक प्रोसेसर के लिए ही होते हैं। दैट मीन्स ये भी आपका एक तरह से देखा जाए तो मशीन डिपेंडेंट होता है। ओके, अब दोनों में डिफरेंस एक आता है कि वहां पर हम जितना भी कोड रिटन करते थे जीरो और वन की फॉर्म में करते थे, और असेंबली लैंग्वेज के अंतर्गत हम जितना कोड रिटन करते हैं एक न्यूमेरिक कोड्स में के अंतर्गत करते हैं। दैट मीन्स हमें
कमांड यहाँ पर मिल जाती है और उन कमांड के जरिए हम अपने प्रोग्राम को आसानी से समझ सकते हैं और आसानी से यूज कर सकते हैं। लेकिन दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए, चाहे वो मशीन लैंग्वेज हो और चाहे वो असेंबली लैंग्वेज हो, ये हार्डवेयर डिपेंडेंट लैंग्वेज है। इसको आपको बेहतर तरीके से समझना पड़ेगा, किसी भी कंपाइलर या किसी भी इंटरप्रेटर की यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ती है। तो असेंबली लैंग्वेज के लिए जो कोड हम लोग यूज करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैंने मशीन लैंग्वेज के अंतर्गत आप लोगों को बतलाया था कि हम लोग अगर दो नंबर को ऐड करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले वो नंबर्स हमारा बाइनरी नंबर में कन्वर्ट होते हैं और तब जाकर के हमें उसका आउटपुट प्रोड्यूस होता है। यहां पर हम अगर किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम के जरिए दो नंबर के एडिशन के प्रोग्राम को बनाएं तो इसमें कुछ कमांड्स होती हैं। उन कमांड्स में जैसे एडीडी नाम की एक कमांड होती है, एक कमांड सब नाम की होती है, एक कमांड पॉप नाम की होती है, एक कमांड पुश नाम की होती है और डिफरेंट टाइप्स की कमांड्स होती हैं जो कि यूज की जाती है एक प्रोग्राम को रिटर्न करने के लिए, एक प्रोग्राम को लिखने के लिए यहाँ पर प्रयोग करते हैं हम आपका। तो अगर हमें दो नंबर को ऐड करना होता है तो यहाँ पर साधारणतः एडीडी हम लोग लिखेंगे, 5 और 5 लिखेंगे और उसके बाद में हमारा वो एक पर्टिकुलर प्रोग्राम बन जाता है। कोड रिटन प्रोसेस हम आपका इसमें आगे डिस्कस कर सकते हैं और करेंगे। तो यहाँ पर जो बात आई, यह बात आपकी आई असेंबली लैंग्वेज की। अब अगर हम और डीप में जाने की कोशिश करें तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखने की है कि लो लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत हमारी मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज दोनों लैंग्वेज हमारी लो लेवल लैंग्वेज के कैटेगरी के अंतर्गत आती हैं। दोनों मशीन डिपेंडेंट होती हैं। कोड रिटन प्रोसेस बस एज कंपैरिजन टू मशीन लैंग्वेज के यहां पर असेंबली लैंग्वेज के अंदर आसान हो जाता है। आइए डिस्कस करते हैं हम आपका आज थोड़ा टॉपिक हाई लेवल लैंग्वेज की ओर अब हम लोग चलते हैं। देखिए हाई लेवल लैंग्वेज जनरल अगर देखा जाए, एक तरह की हमारी एक जो यूज की जाती है, बहुत तरह की लैंग्वेज हमारी आज मौजूद है हाई लेवल लैंग्वेज। इसके बारे में आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही होती है ये। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज साधारणतः हमारी भाषा के अंतर्गत, दैट मीन्स हमारी भाषा को यूज करते हुए हमारी भाषा के कुछ कैरेक्टर्स है, कुछ वर्ड्स, कुछ सिम्बल्स, इट मीन्स आप समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि हाई लेवल लैंग्वेज हमारे रिलेटेड जो लैंग्वेज होती है, जो हम लोग यूज करते हैं, जैसे जनरली हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज यूज करते हैं तो उसके सारे कैरेक्टर सेट, उसकी सारी न्यूमेरिक वैल्यू 0 to 9 और कुछ स्पेशल सिंबल्स को इसके कैटेगरी के अंतर्गत, किसके अंतर्गत लाया जाता है। उन स्पेशल सिंबल्स, उन कैरेक्टर्स, उन वर्ड्स के जरिए हम लोग अपने कंप्यूटर प्रोग्राम को लिखते हैं, अपने कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए एक कोड रिटन करते हैं जो कि बड़ा आसान होता है। अब इसकी हाई लेवल लैंग्वेज की जो मुख्यतः बात यह है कि ये लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज की तरह डिपेंडेंट नहीं होती, हार्डवेयर डिपेंडेंट नहीं होती, ये एक इंडिपेंडेंट लैंग्वेज होती है। इट मींस अगर आप कोई भी कोड रिटन करते हैं, कोई भी कोड अगर आप अपने प्रोग्राम का लिखते हैं तो वो कोड जरूरी नहीं है कि उसी मशीन पर चले, आप उस प्रोग्राम को किसी भी मशीन पर चला सकते हैं। इसीलिए हमने इसको बोला कि हाई लेवल लैंग्वेज को हम लोग एक इंडिपेंडेंट लैंग्वेज भी बोलते हैं। ये किसी भी प्रोग्राम को, कोई भी प्रोग्राम जो इसके अंतर्गत लिखा जाता है वो किसी भी सिस्टम पर, किसी भी मशीन पर, किसी भी प्रोसेसर पर आसानी से एग्जीक्यूट हो जाता है। एक डिफरेंस इसके अंतर्गत जरूर आता है कि एज कंपैरिजन टू मशीन और असेंबली लैंग्वेज के जो एग्जीक्यूशन प्रोसेस होता है, उसका जो टाइमिंग होता है, यहाँ हाई लेवल लैंग्वेज में आपका ज्यादा होता है। तो ये कंसेप्ट मिलाकर के आज मैंने जो आपको बताया, टोटल एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देने की कोशिश की है हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज और इसके अलावा मिडिल लेवल लैंग्वेज। अब मैं बात करूंगा थोड़ा सा मिडिल लेवल लैंग्वेज की तरफ भी, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ डिफरेंस और कुछ फीचर्स थोड़ा सा मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा हाई लेवल लैंग्वेज के। देखिए हाई लेवल लैंग्वेज जैसा मैंने आपको बोला, नंबर वन पॉइंट अगर आप देखें तो ये कुछ वर्ड्स, कुछ सिंबल्स का एक कैरेक्टर सेट होता है, कुछ कैरेक्टर सेट्स इसके अंतर्गत होते हैं। दूसरी चीज अगर आप इसके अंतर्गत देखें, मैं कुछ कॉमन बातें आपको इसके अंदर बताने की कोशिश करूंगा कि हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर जो भी इंस्ट्रक्शंस आप देंगे वे सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस को हम लोग एक स्टेटमेंट कहते हैं। दूसरी बात, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों को कंपाइलर की जरूरत पड़ती है। कंपाइलर के जरिए हम लोग इसको मशीन कोड में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद एग्जीक्यूशन प्रोसेस हमारा कंप्लीट होता है। तो ये कुछ बेसिक बातें थी जो मैंने आपको हाई लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत बताई। तो फ्रेंड्स, जो भी आपसे पूछे हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में, एक तरह की फॉर्मल लैंग्वेज है जो कि हमारे
रिलेटेड हमारी लैंग्वेज जो हम लोग यूज करते हैं, जिसमें हम लोग आपका जिसको हम लोग आसानी से समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड है जिसके बारे में, उन सारे लैंग्वेज के कंटेंट्स को लेकर के और वे कंटेंट्स हम लोग फिर अपने प्रोग्राम को लिखने में प्रयोग करते हैं, इसीलिए हम इसको हाई लेवल लैंग्वेज की कैटेगरी के अंतर्गत रखते हैं। आइए कुछ डिफरेंस जानने की कोशिश करते हैं जो कॉमन डिफरेंस हमारे होते हैं लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज के विषय में। अगर हम साधारणतः बात करें तो जो लो लेवल लैंग्वेज जो हमारी होती है आपका, उसके अंदर पहला डिफरेंस ये आता है कि लो लेवल लैंग्वेज इज वेरी क्लोज टू सीपीयू। जैसा मैंने आपको बताया था कि ये हार्डवेयर डिपेंडेंट है, इट मीन्स ये वेरी क्लोज होती है, बड़ी क्लोज होती है आपका सीपीयू के। जबकि जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है वह आपका इजी टू लर्न होती है, हम उसको आसानी से समझ सकते हैं। एग्जीक्यूशन टाइम के बारे में मैंने भी आपको बताया था कि यहां पर एग्जीक्यूशन टाइम जो होता है आपका कम होता है, और जबकि हाई लेवल लैंग्वेज पर एग्जीक्यूशन टाइम आपका स्लो होता है। तीसरी बात कि जो भी प्रोग्राम हम आपका मशीन लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत लिखते हैं उसको हम आसानी से मॉडिफाई नहीं कर सकते, जबकि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को हम आसानी से मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अगली बात अगर हम बात करें, यहां पर हम लोग डायरेक्टली लो लेवल लैंग्वेज जो होती है वो इंटरेक्ट कर सकती है किससे, हार्डवेयर से, और यहां पर आपका ये मे बी, दैट मीन्स अगर हम बात करें हाई लेवल लैंग्वेज डू नॉट प्रोवाइड मच फैसिलिटी टू इंटरेक्ट विद हार्डवेयर, डू नॉट प्रोवाइड मच फैसिलिटी टू इंटरेक्ट विद हार्डवेयर। जैसे अगर हम साधारणतः बात करें सी के बारे में, अगर हम बात करें सी अपने आप में एक हाई लेवल लैंग्वेज है, लेकिन वो मच फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड कराती डायरेक्टली इंटरेक्ट करने के लिए हार्डवेयर से। ओके, तो ये कंसेप्ट था टोटल आपका आज का टॉपिक, हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज और मिडिल लेवल लैंग्वेज। आइए बात कर रहे हैं आपका मिडिल लेवल लैंग्वेज। देखिए साधारणतः मिडिल लेवल लैंग्वेज के बारे में हम लोग आपको बताने की कोशिश करते हैं इस प्रकार से हैं कि एक मीडिएटर का जो वर्क होता है वो मिडिल लेवल लैंग्वेज का होता है। यहां पर सी लैंग्वेज को एक मिडिल लेवल लैंग्वेज भी बोला जाता है, उसका एक कारण समझिए। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि सी अपने आप में एक हाई लेवल लैंग्वेज तो है ही है, और साथ में ये अपने आप में एक मिडिल लेवल लैंग्वेज भी है। क्यों एक मिडिल लेवल लैंग्वेज है? क्योंकि सी पर जो भी कोऑर्डिनेटर हमारा होता है वो सारा का सारा हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत करते हैं। ओके, और उसके बाद हम लोग उसको कन्वर्ट कर देते हैं आपका मशीन लैंग्वेज में, तो ये काम जो होता है सी के कंपाइलर का होता है। तो इसीलिए जो सी का कंपाइलर होता है वो एज ए मीडिएटर काम करता है, एक मिडिल लेवल लैंग्वेज की तरह काम करता है। तो यही कंसेप्ट हमने आपको आज बताने की कोशिश की मिडिल लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज के बारे में। आशा करता हूं सबको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं सबको बेहतर तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। कमेंट बॉक्स में अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे आप लिख करके भेज सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, वेलकम।